हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद्य सूक्ष्म विज्ञान, ये पार्ट 4 है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं बताने जा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 275, मलेरिया रोग किस परजीवी द्वारा होता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 276, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है दिल्ली एवं आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, पायरिया रोग के परजीवी का नाम क्या है? उसका उत्तर है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। क्वेश्चन नंबर 278, सोने की बीमारी किससे होती है? इसका उत्तर है ट्रिपेनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 279, पेचिश रोग किससे होता है? पेचिश रोग होने का कारण है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह बीमारी जो होती है वो आंतों में होती है। क्वेश्चन नंबर 280, काला जार नामक रोग किस परजीवी द्वारा होता है तथा कहां पर होता है? इसका उत्तर है लीरा मैनिया डोनावानी। ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, जन्म के तुरंत बाद बच्चों को किसका टीका लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद बच्चों को बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 282, माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है पादप जगत का जोकर। यह पादपों में अनेक रोग पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 283, बैगन में कौन सा रोग लग जाता है? इसका उत्तर है लघुपड रोग। क्वेश्चन नंबर 284, चंदन में कौन सा रोग हो जाता है? इसका उत्तर है स्पाइक रोग। क्वेश्चन नंबर 285, लेग्यूम तथा आलू में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कुर्शीसम रोग। क्वेश्चन नंबर 286, पीत वामन रोग किसमें होता है? इसका उत्तर है विंका तथा तंबाकू में पीत वामन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 287, टमाटर में कौन सा रोग होता है? टमाटर में होने वाले रोग का नाम होता है बृहद कलिका रोग। 288, गन्ने में कौन सा रोग होता है? गन्ने में होने वाला रोग है धारिया रोग। इसमें गन्ने में आपने देखा होगा लाल रंग की धारी धारी सी बन जाती है, उसमें उसे कहते हैं धारिया रोग। क्वेश्चन नंबर 289, चावल तथा प्याज में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अंग मारी। क्वेश्चन नंबर 290, कपास में होने वाला रोग कौन सा होता है? इसका उत्तर है कोड़ीय पर्ण भित्ति। क्वेश्चन 291, नींबू में होने वाला रोग कौन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं कैंकर। क्वेश्चन नंबर 292, आलू में होने वाला रोग कौन सा है? इसको कहते हैं स्कैब रोग। क्वेश्चन नंबर 293, मिर्च पौधे में होने वाला रोग कौन सा होता है? उसे हम क्या कहते हैं पर्चित्ती। क्वेश्चन नंबर 294, यहाँ पे आप एक टेबल बना लेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे पदार्थ, दूसरी तरफ लिखेंगे जीवाणु का नाम। फिर यहाँ पे हम लाइन खींच के एक तरफ दही और जीवाणु का नाम क्या होता है वो सारा चीज लिखते जाएंगे। तो दही का क्या होगा? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। छाछ या मट्ठा लैक्टोबैसिलस बर्गेरिकस। पनीर स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। योगर्ट स्ट्रेप्टोकोकस थर्मीफिलस। क्वेश्चन नंबर 295, अब यहाँ पे हम
एक दूसरे के जो सही है उसके आगे उसका निशान लगाएंगे। ये जनरली जब एग्जाम में आता है तो ऊपर नीचे करके आता है, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आप एक्चुअल बता पाएंगे इसका आंसर क्या है। एसिटिकम बैक्टीरिया, इससे क्या होता है, सिरके बनाने के काम में आता है। माइकोडर्मा बैक्टीरिया, एसिटिक अम्ल। लैक्टिस बैक्टीरिया, दूध से पनीर। बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया, तंबाकू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।